Dear kids, today we will do chapter 9 of English grammar book. And the name of the chapter is This, These, That, and Those. Okay. The, the use of this, these, that, and those you have studied in KG also. So let us recall once again. Let's learn this, these, that, and those.

जैसे दिस इज अ चेयर ओके दिस इज अ चेयर ये जो चेयर है ये बॉय के नियर है सो ही दिस है ना तो वो दिस बोलेंगे इसलिए यहां पर यू विल यूज दिस दिस इज अ चेयर दीज आर माई फ्रेंड्स ओके बॉयज ये जो दीज आर द फ्रेंड्स और ये फ्रेंड्स जो हैं ये क्या है उसके क्या है नियर है तो नियर के लिए मैंने क्या बताया था दीज यूज़ करना है सिंगुलर जब नियर होगा तो दिस वी विल यूज और sing, जब प्लूरल होगा प्लूरल द पीपल प्लेस जो प्लूरल नाउन होगा तो उसमें जो है आपको प्रोनाउन या नाउन होगा तो उसमें आपको दीज जो है वो यूज़ करना है ओके okay, जो नियर हैं बहुत सारे होंगे थिंग्स हो प्लेस हो नेम हो या एनिमल्स हो या कुछ भी हो ऑब्जेक्ट्स हो तो आप आपके पास हैं मोर देन वन है तो यू विल यूज़ दीज अगर आपके पास है कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सन प्लेस एनिमल तो आप जो हैं यू विल यूज़ ओके फॉर वन डेट एंड दोज आर यूज टू शो पीपल प्लेसिस एनिमल्स और थिंग विच आर फार नॉट सो क्लोज फॉर फ्रॉम अस ओके आई टोल्ड यू डेट वी विल यूज डेट कहाँ यूज करेंगे बेटा डेट वहां पर यूज करेंगे जो वन जो वन थिंग होगी ओके ओके और जो वो वन थिंग होगी वो क्या होगी हमारे क्लोज नहीं होगी हमसे थोड़ा दूर होगी सिंगुलर होगी तो वी विल यूज़ डैट डैट इज़ अ चेयर ये इसके पास थी तो इसने बोला दिस इज अ चेयर सिंग वन के लिए जब यही दूर हो गई इनसे फार है थोड़ा सा तो बोलेंगे डैट इज़ वी यूज डैट डैट इज़ अ चेयर those are my friends okay when the friends are jab ye friends iske paas the to these we will use for many many ke liye use karenge jab many animals या persons हमसे दूर हैं okay sorry हमसे close हैं पास हैं तो we will use this these जब ये अब क्या है दूर है मोर देन वन है तो दोज आर माई फ्रेंड्स यू विल यूज लाइक दिस ओके नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज दिस एंड डैट आर यूज फॉर अ सिंगल नाउन अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि दिस एंड डेट वो सिंगुल नाउन के लिए यूज करेंगे दिस हम यूज करेंगे सिंगल नाउन के लिए सिंगल नाउन जब पास में होगा हमारे तो वी विल यूज दिस और सिंगल नाउन हमसे दूर होगा तो वी विल यूज दैट. फॉर एग्जाम्पल लेटस रिकॉल दिस हमने यूज़ किया सिंगल नाउन जो हमारे पास है ओके दिस इज अ चेयर ये है प्लूरल नाउन जो हमसे क्या सॉरी सिंगुलर नाउन जो हमसे दूर है तो हमसे फार है यूज डेट दैट इज अस इज एग्जाम्पल दीज आर एंड आर यूज फॉर मोर देन नाउन ओके एंड किसके लिए यूज होगा मोर देन वन नाउन होंगे जहां पे एक से ज्यादा अगर वो मोर देन वन नाउन हमारे पास होंगे नियर होंगे सो वी विल यूज दीज और जो मोर देन वन जो नाउन है वो हमसे दूर होंगे तो वी विल यूज फार होंगे वी विल यूज दोज देयर डियर थी सो कीप इन माइंड दीज थिंग्स दिस दैट इज इट मीन सिंगल नाउन जो हमारे पास होगा तो वी विल यूज दिस सिंगल नाउन जो हमसे दूर होगा वी विल यूज डेट दीज दोज आर के साथ में यूज होगा दीज यूज होगा फॉर द नाउन्स मोर देन वन नाउन दीज जो है जो नाउन है वो मोर देन वन होगा और हमारे पास होगा ओके okay? दोज होगा जो नाउन है मोर देन वन होगा और हमसे दूर होगा वी विल यूज दोज देर क्लियर एंड दीज आर यूज विद आर So you have to learn this. This that kesat is will use and these those we will use R. Are. They are more than one. So are is a kesat. One. Now let us do the practice time, my dear kids. Fill in the blanks with this or that. In this, you have to use this or that. First one. डैश इज अ मोबाइल फोन दिस मोबाइल फोन इज नियर ना ये पास में है वन है सो वॉट वी विल यूज नियर के लिए वन के लिए येस दिस दिस इज अ मोबाइल फोन टी एच आई एस दिस एंड टी एच ए टी डैट यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स शुड नो द स्पेलिंग ऑफ दिस डैट दिज दोस्ट सेकेंड इज डैश इज अ कंप्यूटर सी द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर बेटा इट इज़ फार ना नॉट सो क्लोज ना सो यू विल यूज डेट हीयर है ना सिंगल सिंगल नाउन है और क्या है हमसे दूर है क्लोज नहीं है पास नहीं है फार है थोड़ा सा तो डेट डैट इज अ कंप्यूटर थर्ड वन डैश इज अ ट्री सी द ट्री It is also far na, not so close. So, what you will use here? That, very good. D-H-A-T, that. That is a tree. That is a tree. Fourth, dash is a fox. See, fox is sitting nearby now. So, what you will use? One single noun is there. Yes, and near this. This is a fox. See the fox. Fifth. Dash is a cup. See the cup. This cup is near na and one na. So this is a cup. This is a cup. Now we will do B part. Fill in the blanks with these or those. आई टोल्ड यू कि दीज जो है वो यूज़ होगा प्लूरल नाउन के साथ में जो हमारे प्लूरल नाउन जो हमारे पास में होगा और प्लूरल नाउन जो हमारे फार होगा हमसे इतना पास नहीं होगा थोड़ा दूर होगा उसके लिए दो वी विल यूज फर्स्ट डैश आर बीज सी द बीज बीज आर फार ना नॉट सो क्लोज ये पास नहीं है दूर है ना हमसे so what we will use here dear kids those yes t h o s e those those are bees what we will say pointing towards the bees those are bees second is dash are mangoes see the mangoes are near na and more than one na so what we will use it is near more than one these very good t h e s e these these are mangoes

so what we will use here beta those those are boys what we will say pointing towards them those are boys okay so dear kids you have to fill these two questions in your english grammar book after that you have to learn